तो इडली बनाई गई। हमारा बहुत ट्रेडिशनल बर्तन है इडली बनाने का, जैसे कि आपने देखा होगा आज बहुत से लोग स्टील वाले इसमें इडली बनाते हैं। बहुत से लोग मुंबई में इसको कहते हैं ऑरेंज चटनी, लाल चटनी, हम लोग इसे कहते हैं टोमेटो चटनी या फिर कार चटनी। हे गाइस, वनकम वंदनम सुस्वागतम। तो आज हम बनाने वाले हैं इडली, नारियल का चटनी और टमाटर का चटनी। बहुत ही फटाफट बनाएंगे और सभी को ये रेसिपी अच्छा लगेगा और ये मैं बनाने वाली हूँ मेरे स्टाइल में और फटाफट बन जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे बनता है इडली, नारियल का चटनी और टमाटर का चटनी। वाओ। तो गाइस, ये अभी हम नारियल का चटनी के लिए क्या सामान चाहिए हम देखते हैं। उसके पहले नारियल तोड़ना है। ये नारियल हमारे गाँव का, हमारा खेती का है। मेरी दादी अभी गाँव गई थी तो वहां से उन्होंने बहुत सारा नारियल लाया, उसमें कुछ नारियल मुझे दिया। तो आज हम इसका बनाएंगे नारियल का चटनी। गाँव का नारियल काफी स्ट्रांग है, यहाँ का नारियल ना। नारियल टूट गया है, अब इसको हम साफ करेंगे और छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े में काटेंगे। तो कोबरा देखो मैंने साफ कर दिया, एक बार धो लेंगे। अब इसको बारीक टुकड़ों में काटेंगे। तो दोनों चटनी बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए पहले हम लोग निकाल के रख देंगे, तो हमारा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। खोबरा चटनी, नारियल का चटनी बनाने के लिए नारियल, चटनी का डाल, हरा मिर्ची, बस इतना ही सामान चाहिए। ये मेरा तरीके से मैं चटनी बना रही हूँ, बहुत टेस्टी बनेगा, ट्रस्ट मी। फिर टमाटर चटनी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए देखो, एकदम ऐसे पका हुआ टमाटर, मैंने चार बड़ा टमाटर लिया है, तीखा मिर्ची, लहसुन, इमली, कुतमिर, कांदा। इसके अलावा भी बहुत लोग बहुत चीज डालते हैं, हमको नहीं डालना है। उसके बिना भी हमारा चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगा। फिर तड़के के लिए दोनों चटनी को सेम कॉमन तड़का रहेगा, हिंग, कड़ी पत्ता, राई, राई के अंदर थोड़ा मैंने उड़द दाल डाल दिया है, फिर नमक। बस इतना सामान रेडी रखना है, फटाफट हमारा चटनी हो जाएगा। अभी चटनी बनाने के लिए हम लोग को कुछ समय लगेगा, उसके पहले हमारा इडली का काम हो जाएगा। तो मैंने पहले इडली का जो स्टीम वाला बर्तन है रख दिया है गैस पे और गर्म भी हो गया है। तो हम इडली डालते रहेंगे, फिर कैसे चटनी बनते बनते हमारा इडली भी हो जाएगा। कैसे भी इडली को 15 मिनट लगते हैं तो उसके अंदर हमारा चटनी भी हो जाएगा। चलो तो इडली बनाई गई। हमारा बहुत ट्रेडिशनल बर्तन है इडली बनाने का, जैसे कि आपने देखा होगा आज बहुत से लोग स्टील वाले इसमें इडली बनाते हैं। हम लोग आज भी यही एल्यूमिनियम बर्तन में ही इडली बनाते हैं, उसमें से कॉटन का कपड़ा डाल के फिर इडली का बैटर डाल के बनाते हैं। मेरा जब शादी हुआ था तब मैंने ये इडली का बर्तन लाया था, लगभग 12 साल पुराना है। तो चलो अभी हम इडली बनाएंगे। ये इडली का आटा भी घर पे बना हुआ है, अगर आपको जानना है इडली का आटा कैसे बनाते हैं और फिर इडली के साथ जो हम खाते हैं इडली पाउडर, जिसको हम गन पाउडर भी कहते हैं, हम इडली पोड़ी कहते हैं, अगर ये सब आपको जानना है कैसे घर पे बनता है, इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा। अगर जब तक मेरे को नहीं लगता ये वीडियो ज्यादा व्यू हुआ है, ज्यादा कमेंट आया है, ज्यादा शेयर हुआ है, तब तक मैं आपको इडली का आटा घर पे कैसे बनाते हैं और इडली पोड़ी जो बहुत ही फेमस है ये घर पे कैसे बनाते ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो चलिए, इडली का आटा डोसे के आटे से कंपेयर करेगा तो थोड़ा गाढ़ा रहना चाहिए। इडली डोसे का आटा एक ही होता है, थोड़ा डोसा बनाने के वक्त हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेना चाहिए, बाकी आटा दोनों सेम। और ये कपड़ा गीला होना चाहिए। मुझे आप इडली बनाना है, डोसा बनाना है, ऐसे साउथ इंडियन डिश बोलोगे ना, मेरे को सबसे इजी यही लगता है, फटाफट बन जाता है। तो इसको हम
बंद कर देंगे, जो बचा हुआ एक्स्ट्रा है इसे ऊपर डाल देंगे। गैस को हम बड़े आंच पे रख देंगे। ओके, तो अभी चटनी का काम स्टार्ट करेंगे। जल्दी खोबरे का चटनी बहुत जल्दी बन जाता है, थोड़ा टमाटर चटनी के लिए काम है। बहुत से लोग मुंबई में इसको कहते हैं ऑरेंज चटनी, लाल चटनी, हम लोग इसे कहते हैं टोमेटो चटनी या फिर कार चटनी। तेल थोड़ा सा डाल लेंगे हम लोग। थोड़ा तेल गर्म होने के बाद, तेल गर्म होने के बाद पहले हम डालेंगे लहसुन। लहसुन थोड़ा स्लाइटली ब्राउन कलर होना चाहिए। देखो लहसुन थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है। फिर हम डालेंगे प्याज। प्याज को थोड़ा पकने देंगे हम भूनने। देखो प्याज थोड़ा हो गया ना, थोड़ा भूनने। मिर्ची में बहुत कम डाली हूँ तीखा मिर्ची, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़ा तीखा रहेंगे तो खाते नहीं है जल्दी, तो इसलिए मैं मिर्ची इसमें भी कम डाल रही हूँ, इसमें भी कम डाल रही हूँ। अगर आपको एकदम स्पाइसी चाहिए तो आप और दो मिर्ची ऐड कर सकते हो। देखो ये तीन चीज़ अच्छे से पक गया है। इसके बाद हम डालेंगे पके हुए टमाटर। टमाटर एकदम पका हुआ चाहिए, नहीं तो फिर आपका चटनी अच्छा नहीं, कलर भी अच्छा नहीं रहेगा चटनी में और टेस्ट भी अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए पका हुआ टमाटर ही लेना। इसको अच्छा पकना चाहिए। ये ना स्किन है ना, ये टोमेटो का जो स्किन है ना, ये स्किन ऐसे पील होने के जैसे ये पकना चाहिए, थोड़ा टाइम लेंगे। तो देखो टमाटर अच्छी तरीके से पक गया है। गैस ऑफ कर देंगे। इसमें हम डालेंगे कुतमी और इमली। इमली ज़्यादा भी नहीं डालना है और ज़्यादा कम भी नहीं डालना है, फिर ज़्यादा खट्टा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी इसको मेन क्या करना है मालूम है, हम लोगों को अच्छे तरीके से ठंडा होने के लिए रखना है, क्योंकि गरम गरम अगर आप मिक्सर जार में डालते हो तो मिक्सर जार खुल जाता है फटक से। तो इसके लिए इसको अच्छा ठंडा होने रखेंगे। तब तक हम इडली निकाल देंगे टोप से और खोबरे का चटनी पीस लेंगे। तो ये काम भी हमारा साइड बाय साइड होते रहेगा। अभी खोबरे का चटनी हम लोग पीस के ले लेंगे। बस हमको ये तीन चीज ही चाहिए। देखो खोबरे का चटनी, मिर्ची, बहुत लोग और बहुत कुछ चीज डालते हैं, मैं नहीं डालती, मेरे को ये ऐसा सिंपल सोबर बहुत अच्छा लगता है। अभी मेन चीज इसमें जाएगा नमक, टेस्ट के अनुसार आपको नमक डालना है। पानी डालेंगे थोड़ा सा। कितना? थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के पीसेंगे। पीसने के लिए तैयार है हमारा चटनी। थोड़ा पानी और डाल। चटनी पीस गया। वाओ। आपको चाहिए तो आप और गाढ़ा भी बना सकते हो या फिर और थोड़ा वाटरी भी बना सकते हो, आपके ऊपर, टेस्ट के ऊपर। इससे ज्यादा हो गया, इडली पक गया रहेगा, मैंने गैस ऑफ कर दिया। ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है। पहले थोड़ा पानी शिंपड़ेंगे हम लोग ऐसे, फिर उसको एक मिनट ऐसे ही रखेंगे। ये भी वैसे ही निकाल देंगे हम लोग। थोड़ा पानी, अभी रुको, थोड़ा देर ऐसे ही रखेंगे, फिर इडली आएगा। मुंबई में अगर हम लोग होटल वगैरह जाते हैं, कभी इडली वगैरह ऑर्डर करते हैं, तो हम लोग को बहुत छोटा छोटा ऐसे इडली मिलता है हम लोग, लेकिन घर में ऐसे ही इडली बनाते हैं। अगर आप गाँव में भी जाओगे ना, गाँव में दुकान में भी आपको ऐसे बड़े इडली मिलेंगे। यहाँ पे मुंबई में थोड़ा ऐसे चुनटी चुनटी ही देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग तो ऐसे घर पे बना लेते, इसलिए हम लोग के लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं। चलो अभी निकालते हैं इडली। ये पलटी मारा, पलटी मारने के बाद थोड़ा पीछे से भी निला देना थोड़ा। ये आ गया हमारे। वाओ,
फिर इस कपड़े को फिर से गीला कर देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को और एक बार इडली बनाना है, इतना इडली हम लोगों को नहीं पूरेगा। तो सेम इसके साथ कोई नहीं पूरेगा, इसके साथ भी हम वही करेंगे। कभी भी इडली को फटक से बनाते हॉटपॉट में मत डालो। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, फटाक से हॉटपॉट में डाल के उसको बंद कर देते गरम गरम खाने का करके, वो गलती कभी मत करो। फिर इडली ऐसे गीला होके चिक्कट हो जाएगा। कभी ऐसे खुले थाली में रख के उसको एक दो मिनट थोड़ा ठंडा होने के लिए दो। देखो ऐसा हमारे गांव में ऐसी इडली बनती है, कितना सॉफ्ट है। देखो गरम तो है लेकिन आप खुद देख सकते हो कितना सॉफ्ट है, क्योंकि ये घर पे बनाया हुआ आटा है। इसमें इडली इतना सॉफ्ट आएगा और डोसा भी बहुत अच्छा आता है। तो इस कपड़े को भी फिर से हम लोग गीला कर दीजिए, क्योंकि हम लोग को फिर से और एक बार इडली बनाना। तो गीला करोगे तो ही उसमें आटा बैठेगा और फिर इडली निकलेगी। अच्छे से ठंडा हो गया, इसको हम लोग पीस लेंगे। ये बनने वाला हमारा टमाटर का चटनी, ऐसे खाने का मन कर रहा है। तो चलो चटनी को पीस लेंगे। इसमें गलती से भी पानी मत डालना। खोबरे के चटनी में हमने पानी डाला था, टमाटर के चटनी में गलती से पानी मत डालना, क्योंकि ऑलरेडी वो पानी होता ही है, फिर वो आप पानी डाल दोगे तो प्रॉब्लम हो जाए। तो फिर से मिक्सर में मिक्स करना है। थोड़ा बचा हुआ था ना, एकदम नहीं डाल सकते पूरा, तो पिसा नहीं होगा, लेकिन आप कलर वगैरह सब देख सकते हो। अभी और थोड़ा बचा था, सॉरी पूरा डाल दिया। अभी मेन जाएगा इसमें, राजा आप बोलो मेन इसमें क्या था। मेन था इसमें नमक। यस, तो क्योंकि मैंने पहले ही नमक क्यों नहीं डाला, कम ज्यादा होना नहीं चाहिए ना, क्योंकि थोड़ा सा बाकी था। तो अभी मेरे को मालूम पड़ गया कितना चटनी है, तो उसमें कितना नमक जाएगा मालूम पड़ गया। तो नमक टेस्ट के अनुसार नमक गया। अभी अपना ये चटनी को पीस लेंगे, लास्ट वाला टमाटर का चटनी भी रेडी है। हो गया क्या, देख लेगी एक बार अच्छे से। वाओ स्मूदी, चटनी स्मूदी। देखो कलर, देखो चटनी का, फिर भी पानी नहीं डालने का। अगर बचा हुआ चटनी है ऐसे मिक्सर में, तो उसको स्पून से पूरी तरीके से निकाल दो, थोड़ा भी पानी मत डालो, फिर वो टेस्ट चला जाता। ये टमाटर का चटनी बोलेगा तो ऐसा थिक गाढ़ा रहेगा तो ही अच्छा लगता। दोनों चटनी पीस लिया हम लोग ने, इडली भी हो गया था ना, तो अभी इसको दोनों को तड़का, हाँ एक मिनट, दोनों को तड़का देने का। तो देखो हमने इस अभी तेल डाला है, दोनों चटनी को पीस लिया है, आपको पता चला रहेगा कैसे पीसा है। अभी इसको तड़का देने का बारी है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था दोनों को सेम तड़का देना हम लोगों को, तो ये जिसमें मैंने टमाटर का चटनी फ्राई किया था ना, उसी में हम तड़का देंगे। बर्तन ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में घसना भी हमें ही है, तो उसमें ही हम तड़का दे देंगे। और अब लगाने वाले हैं तड़का, अंग अंग बड़का। तेल अच्छे से गरम होने देंगे हम। राई उड़द दाल, राई को अच्छा फूटने देंगे हम, थोड़ा सिम में रखेंगे। फिर ये जो कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता ऐसे हम थोड़ा तोड़ लेंगे तो उसका क्या खुशबू आता है। अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। क्या खुशबू आ रहा है, तड़के का खुशबू आने ही चाहिए, नहीं तो फिर वो चटनी में डाल के उसका फायदा नहीं है। बोल। तो हम थोड़ा सा हींग डालेंगे, बहुत से लोग नहीं डालते, हम डालेंगे। ये हिंग गया, अब इक्वली ये तड़के को हम दोनों जगह डाल दोनों चटनी। देखो दोनों में तड़का डाल दिया है ना, ये अपना ऑरेंज चटनी भी रेडी, अपना व्हाइट चटनी भी रेडी, तो इडली भी रेडी है। तो अभी राजा बोले एक छोटा सा उत्तपा बना देगी तो अच्छा रहेगा, तो एक छोटा सा उत्तपा आप लोगों के लिए भी मैं बना देती हूँ। एकदम भारी रॉबिन उत्तपा बना रहे।
कैरेट का, क्या कैरेट का बुकी, ग्रेटेड कैरेट बुकी, ये है कांदा का चक्की, ये टमाटर का पोकी। मेरे को तो ये उत्तपम का पिज्जा लग रहा है। सोचो बेटा तुम, मैं ऐसी उत्तपम बनाती हूँ। ये होममेड इडली पुड़ी। वाओ। इसके बाद घी नहीं डालेगा उत्तपम में तो मजा नहीं आएगा। भले ही डोसा आप तेल में बना सकते हो, लेकिन अगर आप उत्तपम बना रहे हो ना, तो उसमें थोड़ा सा आपको घी डालना ही पड़ेगा। हाँ पलटो। अबे अच्छा, वो जो दूसरा तरफ हमने पलटा ना, उसको अच्छे से पकने दे दे, क्योंकि उसमें प्याज कैरेट और टमाटर डाले ना, उसको अच्छे से पकने दे। तो सिम में रख देंगे थोड़ी देर, रहने लगे उसको। तब तक हमारा ये और एक वाला भी इडली हो गया। अभी तैयार हो गया हमारा ऑन इन उत्तपम। वाओ। तो अभी इसको हम लोग प्लेट में ले लेंगे। बोल। तो रेडी हो गया अपना इडली, उत्तपम, खोबरे का चटनी, ऑरेंज चटनी, और ये है इडली पोड़ी। इसका रेसिपी चाहिए तो कमेंट करो, बताऊंगी।